We read in chapter 2 of Acts, verse 42, that the first church that was formed used to meet and do certain things. As soon as a new church was born, they used to gather together for fellowship. लिखा है कि वो आराधना घरों में इकट्ठा हुआ करते थे और घर घर में छोटे ग्रुप्स में करते पर निजी या पारिवारिक समूह होता था और बहुत बढ़कर एक हजूम के तौर पे भी मिलते दो लेवल में उनका इकट्ठा होना होता था एक पारिवारिक समूह जो छोटा घर के रूप में वन विच वॉज अ फैमिली Private home gathering. And one was meeting in the house of the Lord as a group, a big so, group. And it says, as they used to gather, they used to do certain things. They were steadfastly, uh, they were fellowshipping, they were baking the bread, and they were praying together. They would not just meet.

चार अध्याय उसकी नौ और दस आयत में लिखा हुआ है इन चैप्टर फोर वर्स नाइन एंड टेन ऑफ एक्सियान कि एक से दो भले होते हैं टू आर बेटर देन वन और उन दोनों का जो इकट्ठा होना है वो संगति होना वो बहुत तरक्की का और आशीष का कारण होता है एंड गेटिंग टूगेदर इज अ रीजन फॉर ब्लेसिंग और लिखा है कि अगर एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठा लेता है So that if one would fall, the other would lift him up. If one backslide, then you can't do it.

इंपोर्टेंटिप एक प्रभु का तरक्की करेंट टूगे खुदावन की लिखा हुआ है इब्रानियों का खत उसका दसवां

And as you gather, encourage one one another. another. Exhort एक दूसरे, एक दूसरे को प्रोत्साहित किया जाए उत्साहित किया जाए इकट्ठा होने एक्सोर्ट एन एनकरेज वन अनादर ताकि हम मिलकर खुदा की नजदीकी में बढ़ सके. So that together we draw to God. तो इकट्ठा होने का मकसद है कि हम एक दूसरे को उत्साहित करते, है। करते हैं हौसला अफसाई करते हैं So, meaning the purpose of getting together in fellowship is so that we would encourage one another. Even in the book of Romans, Apostle Paul writes For I long to come over and meet with you.

we live and practice our faith individually but when we gather corporately we encourage edify one another we exhort one another this is the purpose behind the gathering of the church I want you to open the book of 1st Thessalonians 1st Thessalonians chapter 4 verse 18 if you would open it with me

It's, it's written in Psalm 145 verse 4. एक पीढ़ी दूसरी तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा तेरे प्राकर्मों की चर्चा उसका बयान उसका ऐलान पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाए दर वन जनरेशन विल डिक्लेयर और कमेंट टू अनदर ऑफ द mighty work वर्क ऑफ गॉड यहाँ पर पीढ़ियों की बात कही गई है एक यंगर जनरेशन generation, generation को क्या करें बयान करें द generation जनरेशन इज टेस्टिफाइंग और स्पीकिंग टू younger जनरेशन समझ रहे हम लोग हमारा किरदार है

Instead of telling them about everything else, instead of telling them what is lacking The instead of telling about the weaknesses and problems, instead of telling them what we don't have, ये बताया जाए टेल देम दिस कि प्रभु ने क्या किया था ऑल द मायरी थिंग्स दैट गॉड हैज एट गॉरकार क्या हुए थे व्हाट वर द मेनी थिंग्स दैट गॉड डन द वंडर्स इन ऑन प्रार्थनाओं का जवाब कैसे मिला था हाउ डिड ही आंसर द प्रेयर्स एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्साहित करे लिखा so हुआ सो दैट वन जनरेशन वुड एनकरेज द यंगर जनरेशन जो प्रभु written. ने उनकी जिंदगी में किया है व्हाटएवर गॉड हैज डन इन देयर लाइफ

ज संगति में होता है जोइंगठा होने से होता है gather, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के सामने मिसाल छोड़ रही है सो दन जनरेशन विद सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ने कैसे generation. आप प्रस्तुष करते हैं How you worship? कैसे आप पहरावा पहनते हैं? How you wear your clothes and conduct yourself? कैसे आप your दुआ करते हैं? How you pray? कैसे आप खुदावन के साथ relate करते हैं? How you relate to God? आप दूसरी पीढ़ी को impress कर रहे हैं? You impress and influence the next generation. आप उनको बता रहे हैं कि ऐसे किया जाता है? You are telling them this is how it's done. आप उनको ना कह के भी अपनी जिंदगी से बयान कर रहे हैं? Without speaking to them by your lifestyle, you are witnessing to them about it. देखा एक generation दूसरी generation को बयान it is written let one generation commend to the next generation about this these things. is part of your responsibility as you assemble together let's go to the book of hebrews chapter 10 verse 24 now there is one more responsibility that has been given for fellowship

unless you are in the fellowship of God's people. पढ़ें जरे इस हवाले को कौन पढ़ता Let's है? Let's read this from Hebrews 10:24. ये संगति में ही हो सकता है. This can only happen in fellowship. हाँ जी कौन पढ़ता है? और प्रेम और भले कामों में उस के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें वो भले काम के लिए क्या करें उकसाने के लिए टू स्टर अप वन अनदर इन गुड वर्क्स एक दूसरे को क्या करना है भले काम के लिए उकसाना To stir up one another to do good works and in love. This can only happen when? When we fellowship. If you're looking at someone and they look to be a little disheartened or slow or lazy, this is a strong word. Another version says, "Provoke one another." है ना? Still थोड़ा है, फिर भी easy है. To stir up is easy. Provoke और भी ज़्यादा strong word है. But to provoke someone is stronger. भाई कुछ लोग कम हो जाते हैं. Some people सुस्त हो जाएं. Become small. They they reduce. They become lazy. ठंडे हो जाते हैं ईमान They become cold. विश्वास में कम हो जाते हैं. They reduce their faith. दुआ में कम हो जाते हैं. They lessen their prayers. वो कई तरीके से उनका ईमान ठंडा हो जाता है. And their faith

इन्फ्लुएंस इन सच हो वो क्रियाशील हो जाए बिकम एक्टिव सरगर्म हो जाए दे वु से उनके अंदर जोश आ जाए Because of you, the zeal of God would rise up in them. Ye kin ka kaam hai? What is, whose work is that? Sab believers ka kaam hai. Is a job of every believer. Har ek jo mein kathata, kaam hai. Everyone who comes to church and gathers, ek this is your responsibility to encourage and stir up one another. Karte, karna, kaam ke liye. To encourage one another and stir each other up, provoke each other to do the good things. Jab when the devil is after us, he keeps on tempting people to do the wrong things. He tempts people to speak wrong he things. He tempts people to do the wrong things. Then why not the people of God should?

chapter 5 और उसकी 14 आयत को निकालिए verse 14 please open that आप निकालिए आप हम अपने अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं आप लोग अपनी लैंग्वेज में निकाल लीजिए we are reading in english why don't you read in one of the ethnic languages हां जी नहीं है हाँ जी और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया जो है जो ठीक चाल नहीं चलते those who are unruly or disorderly हां जी उनके लिए क्या कहा गया है उनको क्या करो समझाओ हाँ जी आगे? Them? Them. हाँ जी आगे जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रगट होती है पर भाइयों सबसे श्रेष्ठ इट स्कोर रिब्यूक इट आर वोट स्वेट कुछ जो है समझाने से नहीं होता है अंडरस्टैंड इफ यू एक्सप्लेन और एक्सोर्ट कईयों को डांट देनी पड़ती है। you have to rebuke each other थोड़ा फटका मारना पड़ेगा उनको थोड़ा डांट कर रोकना पड़ेगा इन रिब्यू देम ये हमें कहा गया है We've been asked to do क्या? This. अगर कोई अजीज गलत रास्ते में जा रहा है इफ वन इज गोइंग समझाओ

maybe because you explained it to them they turned towards so the lord ये हमारा किरदार है में एक दूसरे के लिए दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी विद इन द चर्च टू वन अनदर पूरा पढ़ दीजिए से लेट्स रीड द होल थिंग हाँ जी नहीं है और प्रभु की ओर से जो उसका दाँगा प्रतिफल दाँगा। हुआ।, हुआ उसे भी जान लिया है जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट right. होती है पर पढ़िए भाइयों सब सबसे श्रेष्ठ बेयर ईच अदर बी पेशेंट ठीक है

वी पेशेंट और फिर तहिस करें उनको एंड देन एनकरेज देम ये काम सिर्फ कलीसिया में और संगत में हो सकते हैं ऑल दीस थिंग्स कैन ओनली हैपन इन फेलोशिप ड्यूरिंग असेंबली ये कलीसिया में रहकर किरदार निभाए जाते हैं व्हेन यू रिमेन इन द चर्च यू कैन फुलफिल दिस रिस्पांसिबिलिटी कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 16 आयत भी पढ़ते हैं इसके साथ बुक ऑफ कुलुसियंस चैप्टर 3 वर्स 16 लेट्स रीड द बुक ऑफ कुलुसियों की 3 अध्याय और 16 आयत को पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में से बुक ऑफ कुलुसियंस चैप्टर 3 वर्स 16 हां जी मसीही के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो मसीही के वचन को कलाम को अपने हृदय में अपने दिल में बहुत तायत से अधिकांश से बसने दो लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट dwell रिचली विद इन योर हार्ट हां जी कंटिन्यू और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ ज्ञान के साथ एक दूसरे को क्या करो सिखाओ टीचिंग Wisdom, wisdom जबरदस्ती नहीं नॉट जस्ट बाई पुशिंग दम एंड फोर्सिंग दैम टेम्पर से नहीं नॉट बाई थ्रोइंग्रो ठीक है गुस्सा करके नहीं नॉट बाई जस्ट येलिंग एट दैम एंड सब्र के साथ समझ के साथ It says with patience and with all wisdom. कमजोर को साहित किया जाए, बल दिया जाए. Let the weak become be given strength. पर एक दूसरे को समझाया जाए, wisdom के साथ. But teach each other in all wisdom. पूरा की कर दीजिएगा. Let's read the whole thing. और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ ठीक है उसके साथ साथ क्या है शुक्रगुजारी करते हुए प्रस्तिश करते हुए इन प्रेज गिव थैंक्स गिविंग टू द लॉर्ड Amen. Amen. अगर आप हम खुद प्रस्तिश आराधना स्तुति शुक्रगुजारी में नहीं होंगे तो हम दूसरों को सिखा नहीं पाएंगे If you and I don't live a life of praise and thanksgiving, we won't be able to teach others. तो ये हमारा एक काम है This is our job. कि दूसरों को उत्साहित करना

The book of Ephesians tells us that God has given gifts in pastors, teachers, evangelists, prophets, and apostles to the church so that everyone would grow in the Lord. So that the body of Christ would be built up and edified so that all these gifts would come together and edify and build up the whole body that is the main work that the whole church would grow and progress don't just think about yourself but together

चौथी पंक्ति में इस जॉन थर्टीन थर्टी फोर दिस एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ अ न्यू कमैंडमेंट आई गिव टू यू एक दूसरे से प्यार किया करो That you love one another. जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है As I have loved you, आपको भी एक दूसरे से वैसा ही प्यार करना है So also you are to love one another. ये हमारे लिए फिर से किरदार है क्या? This is another responsibility for us. ये कैसी क्रिया है This is a work जो हम सब बिलीवर्स को दे दी गई है दैट इज बिन गिवेन टू एवरी बिलीवर एक दूसरे से प्यार एक दूसरे से मोहब्बत करना Love one another, Unconditional, बिना शर्त के जो है मोहब्बत करना To love

in his first epistle he writes he who does not love does not have god samjhe rahe bilkul usne wo patta hi kaat diya he is just cut off all scope kya agar mohabbat karta nahi sneh pyar karta nahi to uske paas prabhu hai hi nahi uske liye kuch bhi wo kehta rahe koi fark nahi padta if you don't love each other if you don't have the love of god within your heart then you don't have god no matter what you say or do

That's how you know a person is born of God. And that's how you know whether you have new life or not. If you don't have the new life of God, you won't if have love. If the love of God is expressed through you, found in you, then it is evidence that you are born of God.

आपस में प्रेम रखना चाहिए हमको भी एक दूसरे के साथ आपस में वैसा ही प्रेम रखना है वी ऑल्सो ऑट टू लव वन अनादर ठीक है फिर और तो हुक्म दे दिया गया है हमारे लिए कमीशन दे दी गई है देर यू सी अगेन इट्स ए कमैंडमेंट इट्स अमीशन इट्स एज ऑट टू फिर से ये कलिसियाई तौर पर सामूहिक तौर पर मोहब्बत बयान करने के लिए हमसे

if we all like one another then we don't need the gift of because, patience. because everyone is like we the other.

आप रोड पे किसी को मिल रहे हैं यू मीट सम है आपके जैसे बातचीत कर सकते जैसी आवाज है उसकी जैसा हो जाएंगे आपने किसी से मुलाकात करी है यू फील लाइक यू मैट नो बरी आपको लगेगा ही नहीं किसी से जाके मिलना है यूल नॉट फील लाइक गोइंग टू मीट एनी सब तो आप जैसे है लुक लाइक यू आप जैसे बोलते हैं कोई फर्क ही नहीं है दुनिया बोर हो जाएगी द वर्ल्ड होना एक खासियत है टू बी यूनिक इज ए स्पेशल गेम खुदा ने हमें फर्क बनाया हमारे फायदे के लिए है God has made us differently for our benefit. शुक्र करना खुदावन का हम एक जैसे नहीं हम फर्क बनाए गए हैं. You must thank the Lord that we are not like each other that each one is different. और फिर भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. And yet we love each other. ये खुदावन का प्यार है. This is the love of God. हम एक जैसे नहीं हैं. We're not like each other. उसी में रहकर खुश होते खुदावन का शुक्र करते हुए. And staying in that unique state we love the Lord and we are happy. एक दूसरे की बर्दाश्त करते हुए. We bear with each other. एक दूसरे का बोझ उठाते हुए. We bear each other's burdens. एक दूसरे जैसा ईमान नहीं है फिर भी हम ये जानते

ताकि उनके मनो में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे प्रेम से आपस में क्या रहे गठे रहे जुड़े रहे संगति में लगे रहे लिखा हुआ टू बी एस्टैब्लिश इन फेलोशिप एंड रिमेन इन फेलोशिप ठीक है गठे रहना बिल्कुल साथ सटके रहना समझो टू बी निदर मीन टू गेट ज्वाइन टूगेदर एक दूसरे के साथ जो है बर्दाश्त कर लेना to bear one another. प्यार में मोहब्बत में एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए कहा गया इन लवर विथ ईर एंड रिमेन्सर जल्दी से रूट मत जाएंगे राजमत हो जाएंगे वो आपके जैसे नहीं है that they're not like आपके जैसे तरह से वो उनका ईमान नहीं है Hai. No, it रहे. is written in faith, in faith, love, remain with each other। जी, पूरा वाला रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें जी. और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें राय तभी मसीह के भेद को उसकी जो समझ को हम

निकाला हुआ तो आप तुरंत निकाल के पढ़ सकते हैं याकूब का इफ यू हैव इट इट प्लीज ओपन वेरी प्रैक्टिकल खत है ये जो याकूब का खत बड़ा ही व्यवहारिक है बड़ा ही प्रैक्टिकल है द बुक ऑफ जेम्स द लेटर ऑफ जेम्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक्स इन द बाइबल ये थोड़ा हार्ड है पर ये प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है इट इज अ टफ वन बट यू आर आस्क्ड टू प्रैक्टिस इट फॉर याकूब पांच की सोलह जेम्स कोई नहीं पढ़ते है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे हाँ के लिए प्रार्थना इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ अपने गुनाहों को अपनी गलतियों को मान लो एंड कन्फेस योर सिंस वन टू अनदर किसके साथ है विद हु

No, I don't get offended. I never get upset. What is the Bible say? It is not wrong to be offended. Even to be angry is not a sin. But to sin while you're angry is a problem. Confess Go ahead and confess it. Go ahead and admit it. Go and say, brother, I am angry, I am offended. I am upset. This is the reason.

जो रिकन्साइल करना फर्स्ट मेल मिलाप करना है सुलह कर लेना पहले फर्स्ट यू मेक पीस फिर दुआ करना देन यू मस्ट प्रे फिर हीलिंग आ जाएगी देन यू विल गेट हीलिंग ऑर्डर समझ में आ रहा है जी फॉलो द ऑर्डर आमेन आमेन पहले कन्फेशन बहुत जरूरी है प्रभु के सामने मान लेना कबूल कर लेना एक दूसरे के साथ गलतियों को त्रुटियों को मान लेना First to confess to each other in the presence of God to admit your problems to each other is the most important step. And then when you do that you will be healed. The whole verse should be read. It is very important. <laughs>

They like Elijah, Abraham. They like Abraham. No. They are like Noah. पराबील पढ़े. Read the whole Bible. No. जो शख्स यीशु के लहू से धुल जाता है, चाहे वो पुराने नाम का है, चाहे वो नए नाम का या प्रेजेंट का है, वो आदमी रास्तबाज कहलाए जाते हैं. No. The one who is washed by the blood of Jesus, whether they in the Old Testament or the New Testament, it is by the blood of Jesus that we are made righteous. Amen. Amen.

सबका आदर करो किसका सबका आदर करो ऑनर एवरीबॉडी हाँ हां जी आदर करो भाइयों से जी. प्रेम रखो परमेश्वर से डरो हाँ जी राजा का सम्मान Thank करो क्यू लिखा है कि ऑनर करना, करना है रिस्पेक्ट करना है इट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑनरिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर सबका इज्जत सबका आदर करा जाए यू मस्ट ऑनर रिस्पेक्ट एवरीबॉडी ये हमारे हमारे लिए किरदार है

It talks about the language you use as we speak to each other, how respectful you are. ठीक है? कैसे इज्जत करनी है किसी का? How are you going to respect? सम्मान करना एक दूसरे का. How do you show honor to each other? जी, हाँ जी. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने अच्छा मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते एक रहो. एक दूसरे दिन आल गीत गाके आत्मिक गला करके

गाते बजाते रहा कर मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट सिंगिंग एन ईच अदर कंप्लीट राइट थैंक यू थैंक यू तो क्या कैसे बातचीत करना लिखा है हाउन आत्मिक mm. बात करते हुए स्पिरिचुअल वर्ड ठीक है सही शब्दावली इस्तेमाल करते to हुए टू यूज द राइट वोकैबुलरी अच्छे तरीके से संबोधित करते हुए टू एड्रेस इच अदर प्रॉपरली और गाते हुए एंड सिंगिंग गीत गाते हुए सिंगिंग सॉन्ग आराधना करते हुए, गान करते हुए the Lord, आप जब भी जो एक दूसरे को एड्रेस करते हैं you each other, आप ऐसे करें कि जैसे आप आराधना कर रहे हैं यू मस्ट डू इट इन सच लाइक आप बड़े खुश है really प्रभु के लिए करते हैं for each other. But do लेकिन ऐसा करे आत्मी लोगों की ये पहचान है This is a sign of spiritual people. This is the hallmark of people of fellowship that they speak spiritual things. They address each other with great honor and respect. Disagree respect Even when you disagree, you do it respectfully. You may not agree with everybody on every issue. But

जो बैकस्लाइड हो जाते Those हैं जो एक बार ईमान से पीछे हट जाते हैं the लिए दुआ करता है the Lord, Jesus, the Lord is our side. खुदावन हमारी से हमारे हम कमजोर भी होते हैं

फिर से मजबूत कहती है तो भाई से कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ am अगर आप वीक महसूस करते हैं इफ यू फील वीक प्रभु आपसे कहता है कि आप स्ट्रॉन्ग कहें अपने आप को

अगर प्रभु आपके तरफ है नो वन कैन बी अगेंस्ट यू तो आपके खिलाफ कोई नहीं हो सकता Amen. Amen. On our side. वो हमारी तरफ से। ये हमारे लिए एक बड़ी बरकत है हम नहीं है, फिर भी वो हमारी तरफ है और पत्रस को कहा जा रहा है प्रभु कहते हैं तू गिरने वाला है मुझे पहले से पता है आई नो पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है You have a duty. जब तू आगे बढ़ जाता है आकर भाइयों को स्ट्रेंथ देना, Turn and the brethren, जब strong, जब जब तू 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 मजबूत हो 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 जाए, When you become all right, जब खड़ा हो जाए, जाए, अच्छा खड़ा दूसरों को नीचा मत देखना दोन लुक उन्होंने ये मत कहना वो बहुत कमजोर है दोन से ही सो वीक वो पीछे हट जाता है that a उसको नहीं आता। तू भी तू तो गिरने वाला है। है। मैं तुम्हें उठा खड़ा करूंगा। पर जब उठ जाए, up, दूसरों की सहायता करना। कर दाऊद एक ज़बूर में कहता उसने मुझे दल दल की निकाल कर ही रिमेम्बर एक टाइम था डूब रहा था he, I was drowning, मैं भी में था I was in that mud. उस प्रभु की मेरे पर कृपा हुई। But that God mercy उसने to me, अपना हाथ बढ़ाया। he forth his मुझे बाहर निकाल दिया and है। है। तो वो वो दूसरों दूसरों को भी भी निकाल सकता he है। can pull out. वो दूसरों भी सकता की सहायता कर आज आप मजबूत होंगे Today you may be और शायद कोई और मजबूत नहीं होगा आपके जैसा But maybe is not as शायद आप as अच्छी दुआ करते होंगे आपकी तरह नहीं करता होगा आप बहुत अच्छा दान देते होंगे दूसरा नहीं देता होगा दूसरे की हौसला अफसाई करे Go each other. उकसाएं अच्छा काम करें। आप करेंगे ऐसा बढ़ाएगा दूसरों की सहायता का कारण बन जाएंगा आपके बल खड़े हो जाएंगे